नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे। उनके सर पर चोट आई थी। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मनोज तिवारी ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने अपने ठीक होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अब वो खतरे से बाहर हैं। साथ ही मनोज तिवारी ने अपील करते हुए ये भी कहा था कि लोग अपना धैर्य बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ। मैं मनोज तिवारी। मुझे चोट तो लगी है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। हम डेंजर से बाहर हैं। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सिटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आप सबकी दुआ से छठ मैया की कृपा से। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने एक तस्वीर शेयर किया है और दावा किया है कि मनोज तिवारी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी ने सवाल भी किया है कि जब मनोज तिवारी के सिर में चोट लगी थी तो वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट क्यों हुए। आरजेडी अररिया ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें मनोज तिवारी बेड पर लेटे हैं और बगल में डॉक्टर खड़े हैं। आरजेडी का दावा है कि ये डॉक्टर अनूप कुमार हैं, जो यूरोलॉजी यानी मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। आरजेडी ने सवाल उठाते हुए लिखा कि मनोज तिवारी यूरोलॉजी यानी मूत्र विज्ञान विभाग के डॉक्टर के निरीक्षण में हैं। इनके बगल में खड़े डॉक्टर अनूप कुमार अस्पताल के मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। सवाल यह है कि मनोज तिवारी को चोट सिर में लगी है तो फिर यूरोलॉजी में भर्ती क्यों हो गए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को सार्वजनिक स्थल पर मनाने पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और मंगलवार को सीएम आवास की ओर बढ़े। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी भी वहाँ मौजूद थे। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी दौरान मनोज तिवारी को चोट लग गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।